दोस्तों, मैं संजय चौधरी बू भाई इफ्टेक यूट्यूब चैनल के तरफ से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का ये ट्यूटोरियल सी मेजर स्केल के ऊपर है और फुल्ली एफएल स्टूडियो का जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहिए। सी मेजर स्केल का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। सी मेजर स्केल बहुत ही इजी स्केल होता है, इसमें कोई शार्प नोट या फ्लैट नोट नहीं लगता है। इसीलिए इस सी मेजर स्केल से अगर आप सीखेंगे नोट्स को कैसे यूज़ में लेता है, सी मेजर स्केल में कैसे मेलोडी बनाया जाता है, कैसे कॉर्ड इसमें यूज़ किया जाता है, ये सब अगर सी मेजर स्केल से आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग म्यूज़िक के अंदर घुस सकते हैं, म्यूज़िक को बहुत ही ईजीली कैप्चर कर सकते हैं अपने माइंड में। समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है यह सी मेजर स्केल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल वाला आइकॉन दिया हुआ है उसमें ज़ोर से दबा देना ताकि उसका घंटी का आवाज़ मुझे यहाँ बैठ के सुनाई दे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल के ऊपर। चलिए साथ में रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए मैं आ गया हूँ एफएल स्टूडियो स्क्रीन के ऊपर। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार सी मेजर स्केल का नोट्स के बारे में बता देते हैं। सी मेजर स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें जितना सारा नोट्स यूज होता है इसमें वो सब नेचुरल नोट्स है, मतलब इसमें कोई शार्प नोट या फ्लैट नोट नहीं लगता है। इसका जो सात नोट है वो है सी डी ई एफ जी ए बी, बस यही सात नोट है। इसका कॉर्ड भी बहुत ही इजी होता है, सी एफ एंड जी मेजर के ऊपर इसका कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनता है और माइनर में हम ए माइनर को यूज़ में ले सकते हैं बीच बीच में। तो सी मेजर स्केल में और एक बार सुन लीजिए कौन सा कॉर्ड कौन सा नोट यूज़ होता है, सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी, मतलब दोबारा। तो चलिए हम आज यहाँ पर देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इस प्रोजेक्ट में अभी तक कॉल नहीं किया हूँ मैंने, मैं कॉल करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका बीपीएम जो है वो मैं सेट कर लूँगा। इसका बीपीएम मैं 100 में रखूँगा, यहाँ पर 140 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं लेफ़्ट माउस को क्लिक करके नीचे तरफ ड्रैग करूँगा तो ये इसका नंबर घटता जाएगा, जब 100 में आके ये रुक जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूँगा। तो इसका बीपीएम मेरा बन गया है 100, मतलब 100। अब इसमें हम कॉल करेंगे इंस्ट्रूमेंट को। तो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट हम इसमें कॉल करेंगे कीज़ोन क्लासिक। कीज़ोन क्लासिक ये फ्री पियानो है, बढ़िया पियानो है ये। आप लोग कीज़ोन क्लासिक को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री है और इसका साउंड एकदम पूरा रियल है। और इसका जो प्रीसेट्स है, हम प्रीसेट्स कौन सा वाला प्रीसेट्स लेंगे, यहाँ पर देखिए दाएं तरफ एक एरो है और बाएं तरफ एक एरो है। मैं दाएं तरफ एरो को क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए यामाहा ग्रैंड पियानो आ गया है, लिखा हुआ है यामाहा ग्रैंड पियानो। इसका साउंड हम देख लेंगे कैसा है। C5 को चूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा पियानो का साउंड है। इसमें हम डिले, इस फ्री प्लगइन्स का एक खासियत है कि इसमें बहुत सारे कंट्रोल दिया गया है, LFO दिया गया है, पैनिंग दिया गया है, वेलोसिटी कर्व दिया गया है, रिवर्ब दिया गया है। मैं इसमें थोड़ा सा रिवर्ब इसमें ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवर्ब इसमें ऐड कर दिया। अब इसका आवाज़ सुनते हैं साउंड को, रिलीज को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, अटैक ठीक ठाक ही है, सस्टेन भी ठीक ठाक है। चलिए इसको ये मैंने ले लिया। अब दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कॉल करेंगे और वो है ड्रम सेक्शन। और ड्रम के लिए मैं कॉल करूँगा मेरा फेवरेट, ये भी फ्री है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओनली 68 MB का ये प्लगइन्स है, ये VST है।
आपका मशीन के ऊपर कोई लोड नहीं देगा। इसका साउंड क्वालिटी नेक्स्ट टू रियल है, बहुत ही अच्छा ही है। और मेरे चहिदा प्लगइन्स में से VSTs में ये एक है और उसका नाम है MT पावर ड्रम किट। इसको कॉल करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा ये लोड होने में, उसके बाद एक मैसेज आएगा। ये फ्री है इसलिए आप इसको डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डोनेट करने का मन या डोनेट करने लायक मनीज है, रुपया है, तो आप प्लीज़ इसको डोनेट कर दीजिए। मैं इसको स्किप कर दूंगा, ये हर बार ये मैसेज देगा। उसके बाद इसको हम ग्रूव्स में चले आएंगे और अभी कुछ मत करेंगे, बस इसको काट देंगे। मैंने दो इंस्ट्रूमेंट भी ले लिया इसमें। अब एक पैड को हम इस प्रोजेक्ट में कॉल करेंगे, पैड का इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू प्लगइन्स में जाके यहाँ पर साइट्रस को क्लिक करेंगे। साइट्रस खुल गया है और यहाँ पर से प्रीसेट्स में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे पैड्स। पैड्स के अंदर बहुत सारा पैड्स है, इसके अंदर मुझे ये क्लाउड वाला जो है बहुत अच्छा है। इसका साउंड एक बार सुन लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा पैड्स है ये। तो चलिए इसी तीनों को लेके फ़िलहाल के लिए ये वाला म्यूज़िक का जो सेशन है, जर्नी है, वो शुरू करते हैं। अभी तक मैं पैटर्न वन में सिलेक्टेड हूँ। देखिए अच्छे से समझिएगा, ये पैटर्न वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही ख़ास है। आपको ये अगर समझ में आ जाए तो FL स्टूडियो कुछ नहीं है। म्यूज़िक थ्योरी आपको आना चाहिए, म्यूज़िक आपको म्यूज़िक के नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी क्रिएटिव कुछ धुन आप बना सकते हैं इसमें, एक टोटल इंस्ट्रूमेंट। जो लोग कहते हैं कि FL स्टूडियो में काम करने के लिए म्यूज़िक थ्योरी का कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग गलत कहते हैं। म्यूज़िक का थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, कॉर्ड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, सुर क्या होता है, कौन सा कॉर्ड्स किस स्केल में कौन सा कॉर्ड यूज़ करेंगे, नोट्स को कैसे बनाया जाता है, धुन कैसे डेवलप होता है, ये सब आपको आना चाहिए। इसका ज्ञान थोड़ा रहना चाहिए आपके अंदर, तब जाके एक अच्छा सा मेलोडी आप बना सकते हैं। तो पैटर्न वाला जो सेक्शन है, मैं बोल रहा था आप लोगों को, ये पैटर्न बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है FL स्टूडियो के लिए। ये तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये पैटर्न नहीं है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जो है वो पैटर्न नहीं है। पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाएगा और पैटर्न को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से। तो फर्स्ट पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, जो पियानो है, पियानो का एक कॉर्ड लेंगे, कॉर्ड बनाएंगे इसमें। तो देखिए पैटर्न वन मेरा सिलेक्टेड है, पैटर्न वन में राइट क्लिक करूँगा मैं इसको, इसको कलर रीनेम एंड कलर करूँगा, इसका रीनेम दे दूँगा PIANO, पियानो CHORDS, पियानो कॉर्ड्स। इसका कलर मैं सेट कर लूँगा, ग्रीन में रखेंगे इसका कलर और क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया पियानो कॉर्ड्स, मेरा फर्स्ट पैटर्न। और इसको फर्स्ट पैटर्न में कीज़ोन क्लासिक जो पियानो है, उस पियानो से इसको मैं तैयार करूँगा, इसीलिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पियानो रोल में आएंगे और सिंपली एक नोट, मतलब F5 से, C5 से एक हम इसको बनाएंगे। देखिए 4+3 ये मेजर कॉर्ड का रूल्स है, आप ये लिख सकते हैं 4+3, मतलब सी कॉर्ड से शुरू होगा, उसके बाद उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, मतलब ई में एक नोट आएगा, उसके बाद 1, 2, 3, यहाँ से लेके 4 और यहाँ से लेके 3, 4+3 ये हो गया मेजर कॉर्ड का रूल्स। ये अगर आप म्यूज़िक का थ्योरी का ज्ञान नहीं है तो फिर इस तरह से समझिए आप। अगर म्यूज़िक का आपका ज्ञान है तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, क्योंकि सी मेजर कॉर्ड में तीनों नोट लगते हैं, वो है CEG। तो टेक्निकली आप इसको इस तरह समझ सकती है, समझ सकते हैं, जहाँ पर कॉर्ड यूज़ होता है उसके बाद 4 वाला नोट में उसके बाद वाला नोट आएगा और उसके बाद थर्ड जो पोजीशन है उसमें थर्ड वाला नोट आएगा। ये हो गया
और मैंने आपको बोला था कि सी मेजर स्केल में तीनों कॉर्ड यूज़ होते हैं, तीनों प्रोग्रेशन होता है, वो है सी एफ जी। उसके बाद मैं जी को यूज़ करूँगा, यहाँ पर जी मेजर मतलब 1 2 3 4, 1 2 3, सेम रूल्स यहाँ पर फॉलो होगा, 4+3। उसके बाद एफ आएगा, यहाँ पर एफ, यहाँ पर भी 4+3। अब मैं सी को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल दबा के, और शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर लूँगा, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा, इसको सी में छोड़ देंगे। ये 4 बार मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब 1 2 3 4। आपको 4x4 जो बीट का म्यूज़िक होता है, इसमें आपको 4 4 बार होता है, ये बार को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो 4 बीट 4 बार में ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए, 1 से लेकर 2 तक 1 बार, 2 से लेकर 3 तक 2 बार, 3 से लेकर 4 तक 3 बार है, और 4 से लेकर 5 तक 4th बार है। ये हो गया, अब मैं इसको एक बार सुन लूँगा, पैटर्न में सिलेक्ट हुआ है, सॉन्ग में मत आइए, पैटर्न में आइएगा, पैटर्न में जाके पियानो कॉर्ड का जो मैंने कॉर्ड बनाया है वो सुनेंगे अभी कैसा बना है। अब मैं क्या करूँगा, ये पैड घटता जा रहा है, इसलिए मैं इसका जो नोट है, ये वाला जो नोट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल दबा के, और कंट्रोल से कंट्रोल की दबा के मैं डाउन कैरो क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ऊपर वाला जो नोट है वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको दोबारा से सुनूंगा कैसा इसका फील आ रहा है। बहुत ही अच्छा, एक कॉर्ड बन गया है। अब मेरा पैटर्न 1 कंप्लीट हो गया है। इस कॉर्ड के साथ मैं और छेड़खानी नहीं करूंगा। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ा बहुत पियानो का ही नोट बजे, तो इसके लिए मैं दूसरा पैटर्न लूँगा, उसमें वो कहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ध्यान ध्यान दे के इसको समझिए। यहाँ पर पैटर्न मुझे दिखा रहा है, इसके ऊपर लाल एक एरो है, मतलब ये पैटर्न मेरा सिलेक्टेड है, और यहाँ पर जो नाम है वो नाम यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब यहाँ से जो पैटर्न सिलेक्टेड है वो पियानो कॉर्ड से। अब यहाँ पर माउस को लेके जाऊँगा, माउस का एरो देखिए चेंज हो गया, ऊपर नीचे अप डाउन एरो बन गया है। अब यहाँ पर माउस कॉल को मिडिल वाला जो बटन है, व्हील जो है, व्हील को मैं ऊपर घुमाऊँगा, ये देखिए पैटर्न 2 मेरा बन गया है, साथ ही साथ यहाँ पर पैटर्न 2 चला आया है। अब राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर कलर रिनेम एंड कलर में आएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे पियानो नोट्स, PIANO पियानो, NOTES पियानो नोट्स 1, और इसका कलर दे देंगे हम सेकंड वाला जो ग्रीन है, सेकंड वाला ग्रीन में देंगे, पियानो को मैं ग्रीन में रखना चाहता हूँ इसीलिए अब इसको क्लिक करेंगे। अब फिर से देखिए, मज़े की बात यह है, मुझे इंस्ट्रूमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट लेके मैं दूसरा पैटर्न बना लिया। अब देखिए फिर से मैं कीजोन क्लासिक के ऊपर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, पियानो रोल में आऊँगा, अब देखिए यहाँ पर पूरा फ्री है, कुछ नहीं है। अगर एक नंबर में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जाकर मैं पियानो नोट्स में जब आऊँगा तब यहाँ पर कुछ नहीं है, अब पियानो नोट्स खाली है मेरा। तो एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब प्लेलिस्ट में, आप कॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, मतलब पैटर्न 1 को, और यहाँ पर इसको दे देंगे, 2 बार तक इसको मैंने पेस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर इसको लाएंगे, और इसको भी यहाँ पर कुछ नोट नहीं है, पूरा फाका है, आप देख डबल क्लिक करके देख सकते हैं, पियानो रोल कुछ नहीं है, एकदम फाका है, खाली है। फिर भी मैं इस पियानो नोट्स को यहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, और अब जाके सॉन्ग में सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसका जो किजोन क्लासिक का पियानो रोल है इसको खोल लूँगा। अब देखिए मुझे सुनाई देके, अब मुझे सुनाई देगा ये सॉन्ग कैसा बन रहा है, और मैं इसको क्रिएट करूँगा एक एक नोट्स, एक एक मेलोडी। देखिए ये जो सी मेजर स्केल का जो मैं आज ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसके लिए मेरा कुछ प्लान नहीं है, मैं एकदम मन में जो आएगा वही बनाऊँगा, वही क्रिएट करते जाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। जब मैं नोट्स को या मेलोडी को क्रिएट करूँगा तब शायद मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ एडिटिंग के वक्त, लेकिन आप देखिए कैसे मैं इसको बनाता हूँ। पहले एक बार इसको सुन लेते हैं, सॉन्ग में है, अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट में क्लिक कर लिया, अब मैं इसको प्ले करूँगा।
मैं यहाँ पर से मेट्रोनोम को ऑन कर दूंगा ताकि मुझे मेट्रोनोम का आवाज़ सुनाई दे। गुड, अच्छा है। अब मैं तो चलिए फिर से एक बार सुनते हैं और देखते हैं कैसा मेलोडी बनता है। यहाँ पर C5 है, मैं C6 है। तो देख लिया कैसे एक मेलोडी मैं बना दिया हूँ बहुत ही सिंपल सा नोट को यूज़ करके। अब देखिए इसको कैसे बजता ही है, अब देख लीजिए। अच्छा है। अब इस दो पैटर्न को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी दबा देंगे। कंट्रोल बी से ये आगे तक पेस्ट होता जाएगा। मैं 4, 1, 2, 3, 4 उसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मुझे एम्प्टी पावर ड्रम किट, इसका मुझे अभी सॉरी एम्प्टी पावर ड्रम किट 2 जो है इसका अब पैटर्न बनाना है। मेरा लास्ट पैटर्न में हूँ अभी तक। मैं यहाँ पर पैटर्न 3 ले लिया, यहाँ पर रीनेम कर दूँगा साथ साथ जाके। रीनेम का आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, रीनेम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में जाके आपको ध्यान रहे कौन सा में क्या है। इसमें रखूँगा DRUM ड्रम, INTRO ड्रम इंट्रो, ड्रम इंट्रो। इसका कलर, ड्रम का कलर मैं येलो में रखना चाहूँगा, येलो। और ये कलर दे दिया।
अब ड्रम इंट्रो यहाँ पर एम्प्टी पावर ड्रम किट 2 खुल गया है और यहाँ पर एम्प्टी पावर ड्रम किट का पियानो रोल में चलाऊंगा मैं। आप देखिए यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं है, इंट्रो में जाएंगे और बजा के सुनेंगे कैसा है। नहीं मुझे यहां पर ये वाला सुनते एक बार, चलिए इसी को कॉल कर देते हैं। इसको कॉल करने के लिए यहां पर इसको माउस का लेफ्ट क्लिक से इसको क्लिक करके ड्रैग करके जो पियानो रोल है पियानो रोल के ऊपर जस्ट छोड़ देना है। हो गया, यहाँ पर देखिए कलर्स का आ गया है और इसको मैं करूँगा तो ये देखिए ये आ गया है। तो मुझे उतना ज़्यादा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रम इंट्रो हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बस इसको यहाँ पर जाकर ताकि मुझे पैटर्न दिखाई दे। अब यहाँ पर 8x8 में मैं जो बॉडी है उसमें लाऊंगा, ड्रम इंट्रो हो गया है। यहाँ पर पैटर्न 4 रीने में बाद में कर लूँगा क्योंकि मुझे एक के बाद एक को कॉल करना है। अब इसको मैं सुनूंगा कैसा बना है। जब आप ग्रुप्स को उसका जो बॉडी पार्ट है उसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 3 बार दिखाया दिख रहा है, यहाँ पर जाके 4 बार कर देना है ताकि 4 बार तक वो आए। अब इसको सुनेंगे हम। चलिए इसको ही कॉल कर लेते हैं। आ गया, फिर से पैटर्न 5 में चलाऊंगा। इसको कॉल कर दूंगा, बॉडी 2 हो गया मेरा। फिर से पैटर्न 6। अब बॉडी में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर आएंगे इसका फिलर को, जो फिलर को चूज करेंगे। इसी को ऊपर दे देंगे, चलिए बहुत सारा फिलर और बहुत सारा इसको ले लिया हूँ मैं। अब इसको काट दूंगा, अब इसको पैटर्न में जाकर सिर्फ सुनेंगे क्या क्या बना है। ये देखिए ये बॉडी है, नहीं ये हाँ, पैटर्न में चला जाएंगे उसके बाद इसको सुनेंगे। ये बॉडी है मतलब इसको रीनेम एंड कलर करेंगे, ऑनर पर कर देंगे ड्रम DRUM ड्रम BODY ड्रम बॉडी, कलर इसका येलो से यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको सुनेंगे।
इसका भी रिनेम एंड कलर कर देंगे। ड्रम बॉडी 2, इसका कलर ये वाला दे देंगे। इसको आप सुनेंगे, इसका रिनेम कर देंगे, रिनेम एंड कलर FILLER फिलर 01। इसका कलर यहाँ पर चला आएगा, रिनेम एंड कलर फिलर FILLER फिलर 02। ये वाला इसका रिनेम एंड कलर फिलर FILLER फिलर 03। रिनेम एंड कलर यहाँ पर आ जाएगा, इसका भी रिनेम एंड कलर कर देंगे ILLER फिलर 04। इसका कलर ये वाला ये आएगा, और इसका रिनेम एंड कलर, इसका कलर ये आएगा शायद, और फिलर FILLER फिलर 05। ये हो गया है पूरा ड्रम सेक्शन, यहाँ से लेके ड्रम इंट्रो से लेके यहाँ तक पूरा ड्रम वाला सेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया हूँ। अब ड्रम का जो इंट्रो है वो देखे देखेंगे। देखिए ये ड्रम का इंट्रो है, एक बार सुन लेते हैं। अब मुझे जो मेट्रोनोम है, मेट्रोनोम का साउंड नहीं चाहिए, मेट्रोनोम को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब सुनेंगे, इसको यहाँ दे देंगे, ड्रम बॉडी यहाँ पर लगा देंगे, ड्रम बॉडी को भी यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ से इसको एक लेवल घटा देंगे, और यहाँ पर फिलर को ऐड कर देंगे। अब इसको सुनते हैं कैसा बनता है, कैसा लगता है। मैं यहीं से ही सुनते हूँ, फर्स्ट टाइम सुनता हूँ उसको। ये वाला बॉडी नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए ड्रम बॉडी चाहिए, सिर्फ ये बॉडी। अब देखिए, अब मैं यहां से सुनता उसको। सुन लिया कैसे फिलर देके ये ख़त्म हो रहा है ड्रम। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसको मैं कॉल करके, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग देखते रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट इसमें ऐड हुए हैं। एक पियानो का कॉर्ड इसमें कॉल किया हूँ, एक पियानो का एक पहला वाला इंट्रो वाला जो मेलोडी है उसको भी क्रिएट कर चुका हूँ मैं, और ड्रम का एक फिलर, एक इंट्रो और ड्रम का एक बॉडी देके अभी तक सिर्फ पहला वाला एक मतलब जो फर्स्ट स्टेप आप उसको बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप मैंने सिर्फ इसमें फर्स्ट स्टेप में पैर रखा हूँ। अब उसको बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, आप लोगों को भी जाना है मेरे साथ साथ म्यूज़िक के लास्ट तक सी मेजर स्केल में। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाला आइकन को जल्दी से प्रेस कर देना। मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो दोस्त लोगों में ज़रूर शेयर करना। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, चलिए। तो दोस्तों आपने देख लिया, अभी तक मैं तीन इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ कर चुका हूँ। अब दूसरा मेलोडी बनाने का टाइम आ गया है, और मैं इसी कॉर्ड्स के ऊपर सी मेजर स्केल के ऊपर दूसरा मेलोडी बना के आपको दिखाऊँगा। ये कुछ प्लान्ड नहीं है, मन में जो आता रहेगा मैं वो बनाता जाऊंगा। आपको वही दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे एक धुन अपने आप माइंड से निकलता जा रहा है,
प्रोग्रेशन के हिसाब से बनता जा रहा है वही। तो चलिए इसके लिए पहले मुझे एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट लेना है। अब मुझे यहाँ पर मेरा फेवरेट जो है वही ले लेता हूँ, मेरा हार्मलेस। हार्मलेस में मुझे प्रीसेट्स में जाना है। प्रीसेट्स में जाके यहाँ पर क्या ले लूँ, क्या क्या क्या, लीड्स, लीड्स में देखता हूँ लीड्स में कुछ है कि नहीं। सर्च करना है मुझे, अभी तक नहीं चाहिए। ठीक ही है, चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका जो पिच है, पिच को मुझे 12 तक नहीं चाहिए, पिच 0 तक चाहिए मुझे। चलिए इसको रखते हैं। और इसका डीके ठीक है, अटैक थोड़ा उसको बढ़ा देता हूँ। डीके थोड़ा, डीके ठीक ठाक है। पैचर यहाँ पर यूनिशन 5 तक इसका वॉल्यूम है, तो 5 ही रहने देते। अमाउंट इसका फ्रीक्वेंसी विद डीके अटैक विद वार्मिंग, यहाँ से थोड़ा इसको चेंज करेंगे। वार्मिंग है, लिमिटिंग है, देखते हैं। चाहिए मुझे। और अभी इसका क्लासिक लो पास, क्लासिक बैंड पास, हाई पास, नहीं लो पास ही ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, ठीक ठाक है। इसमें रिवर्ब को ऑन कर देता हूँ, क्लासिक कर देता हूँ। कम कर देता हूँ, रिवर्ब का वॉल्यूम कम हो गया है। और मास्टर वॉल्यूम को भी, मिक्स को थोड़ा सा बढ़ाना है मुझे, बस मिक्स को नहीं बढ़ा, मिक्स को मैं नहीं बढ़ा, मिक्स को नहीं इंक्रीज किया हूँ। तो डिले, बाकी सब वॉल्यूम को यहाँ से थोड़ा, ठीक ठाक है। चलिए इसमें मैं इसको बना के देखता हूँ। इस यहाँ पर चलाऊँगा मैं, एक बार मैं इसको सुनूंगा एक बार कैसा बन रहा है ये। अब हमिंग करते हुए मैं इसको बनाऊँगा। नया पैटर्न ले लिया, यहाँ पर आएंगे एवोल्यूशन गोल को, पियानो रोल में आएंगे और हमिंग करेंगे, सुन लेंगे और एक बार कैसा बनता है। मैं इसको एक बता देता हूँ, मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा सिर्फ, इसको एक बार कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको बढ़ा देंगे 4 तक लेके आएंगे। अब यहाँ पर यह पैटर्न 11 है, इसको यहाँ पर, सॉरी, पैटर्न जो 11 है इसको यहाँ पर दे दूँगा और इसका पियानो रोल में मैं आ जाऊँगा। अब फिर से सुनेंगे एक बार, यहाँ से सुनते हैं एक ही चीज़ है। लूंगा मैं इसको, ऑन कर दूंगा, पैटर्न में चला जाऊंगा। यहां तक आएगा, टा टा
अब सुनूंगा बस हो गया है। अब इसको यहां ला दूंगा, आप देखिए ये कैसा बना है। इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ से जाके इसका वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करना है, इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए मुझे। बस अब यहाँ से इसको प्ले करूँगा। उसको दो बार यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर फिलर थ्री एक बार सुन लेते हैं पैटर्न में जाके कैसा है। इसी को यहाँ पर लगा दूंगा। बस अब एक बार सुन लेते हैं यहाँ से। इसको फिर से मैं इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर लगा देना है। अब ये परफेक्ट बन गया है शायद, सुन लेते हैं एक बार। पैटर्न में आएंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे, छोटा कर लेंगे, इसको ऊपर उठा देंगे। अब सुनेंगे यहाँ से। बहुत ही अच्छा बन गया है। अब एक चीज़ का मुझे कमती आ रहा है इसमें, वो है जो कॉर्ड है, मतलब पियानो कॉर्ड्स और जो पियानो नोट्स है, इसका रिवर्ब का थोड़ा कम सुनाई दे रहा है इसमें। इसमें अगर रिवर्ब हो जाता तो बहुत अच्छा होता। चलिए तो पहले मैं क्या एक कम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आके सबका मैं कर देता हूँ। कंट्रोल एल देके सबका ये कर लिया। अब कीज़ोन क्लासिक इसी का ऊपर दो है, दो नंबर पे है, दो नंबर यहाँ पर, दो नंबर कीज़ोन क्लासिक यहाँ पर सेव है। यहाँ पर मैं पहले इसको इक्वलाइज करूँगा फ्रूटी पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र से। अब इसको सिर्फ पैटर्न में जाके हमको सुनना है, पैटर्न में सेलेक्ट कर लिया। आप सुनेंगे यहाँ से, सॉरी इसको हम पियानो कॉर्ड्स यहाँ से जाकर सुनेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इधर ही है। टाइप में जाएंगे, पहले
हाई पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाके यहाँ पर रहने दीजिए, रहने देंगे इसको। बस ठीक है, और यहाँ पर जाके थोड़ा सा रिवर्ब इसके ऐड कर दूंगा मैं, हाँ फ्रूटी रिवर्ब 2। आप सुनेंगे इसको फिर से, इसका साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे। बास को थोड़ा बढ़ाएंगे, डीले को थोड़ा बढ़ाएंगे, बस ठीक है। अब सेम चीज इसमें भी लाएंगे, हो गया है। अब मुझे पहले इसको सुनेंगे, अब सुनाई कैसा दे रहा है वो सुनेंगे। ड्रम का साउंड थोड़ा कम रहा है, ड्रम को इधर से थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ से, और ड्रम को भी इक्वलाइज कर देंगे। ड्रम 3 में है, ड्रम को इक्वलाइज करेंगे, यहाँ से जाके 3 को सिलेक्ट करेंगे, एम्प्टी पावर ड्रम की 2 को यहाँ से आएंगे, इसमें जाके इक्वलाइज करेंगे, फ्रूटी पैरामेट्रिक इक्वलाइज। अब पैटर्न में जाके सुनेंगे ड्रम वाला सेक्शन कहाँ गया रे बाबा, जल्दी से आ जा। ड्रम बॉडी, ये बॉडी को, बस यही चाहिए मुझे। अब सुनेंगे पहले से एकदम फास्ट से कैसा बन गया है ये। आप लोगों ने सुन लिया कैसा 2 मेलोडी के साथ सी मेजर स्केल को बनाया, कैसे इसको प्रोग्रेस किया। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे एक एक इंस्ट्रूमेंट को लेके, आप लोग कॉर्ड के साथ मेलोडी के साथ आगे बढ़ते जाइए। मेरा ये वीडियो आपके काम में आए यही मेरी आशा है। दोस्त लोगों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, किसी ना किसी जो फ्रेंड्स जो म्यूज़िक रिलेटेड काम करता है उन लोगों के लिए कुछ तो हेल्प हो जाएगा, जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा वाला वीडियो बन जाएगा ये। नेक्स्ट में इसका 3rd मेलोडी और इसका जो बेस है, अभी तक इसका जो बेस गिटार है या बेस पार्ट है, बेस पार्ट का कुछ इसमें नहीं क्रिएट किया हूँ मैं, कुछ प्लगइन्स को कॉल नहीं किया इसमें,
नेक्स्ट में हम इसमें बेस के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा म्यूज़िक का रिलेटेड वीडियो मैं देता रहता हूँ और आगे मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। तो मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में इसी मेलोडी के साथ, सी मेजर स्केल के साथ। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। गुड बाय।